नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। कार में सवार तीन लड़कों और तीन लड़कियों की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल। पीएम मोदी ने मनाया इगास पर्व, पहुंचे पौड़ी से लोकसभा सदस्य अनिल वलूनी के दिल्ली आवास, पूजा अर्चना कर दी, उत्तराखंड वासियों को बताई। 3.5 लाख दियो से रोशन हुई हर की पौड़ी। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की गंगा आरती, भव्य ड्रोन शो ने पेश किए हवाई नजारे। राज्यपाल ने परेड कमांडर्स को किया सम्मानित, महिला परेड कमांडर अश्वदल मार्च पास्ट की महिला घुड़सवार और हिम रक्षक डेयर डेविल्स डेमो को प्रतिभागियों को दिए स्मृति चिन्ह। कालसी में लघु रोजगार मेले का आयोजन, फार्मा, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की 9 कंपनियों ने लिया हिस्सा, 185 अभ्यर्थी हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देहरादून के ONGC चौक के पास हुई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में 3 युवक और 3 युवतियां बताई जा रही हैं। ये सभी लोग छात्र बताए जा रहे हैं, इनमें से कुछ दिल्ली तो कुछ हिमाचल देहरादून के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान गुनीत सिंह, कुणाल कुकरेजा, नव्या गोयल, अतुल अग्रवाल, कामाक्षी सिंगल और ऋषभ जैन के रूप में हुई है। वहीं सिद्धेश अग्रवाल गंभीर घायल है। उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पौड़ी लोकसभा से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल वलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इगास के मौके पर पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। इस दौरान अनिल वलूनी के आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इगास का कार्यक्रम दीपावली के 11 दिन बाद मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान राम जब 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे, तो 11 दिन बाद पहाड़ में इसकी सूचना मिली और फिर 11 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया गया और तब से 11 दिन दीपावली के बीत जाने के बाद इगास मनाई जाती है। हालांकि अब पहाड़ में इगास इतनी धूमधाम से नहीं मनाई जाती है, लेकिन गढ़वाल सांसद अनिल वलूनी के द्वारा इस त्योहार को धूमधाम से मनाने की शुरुआत कई सालों से की गई है। अनिल वलूनी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ बाबा रामदेव, महामंडलेश्वर अवधेशा नंद गिरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पीढ़ी हरिद्वार में हुए गंगा दीप महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मां गंगा की पूजा अर्चना की और गंगा आरती में सम्मानित होकर, माफ कीजिएगा, गंगा आरती में सम्मिलित होकर प्रदेश की सुख समृद्धि और तरक्की की कामना की। इस दौरान हर की पीढ़ी स्थित पुलिस चौकी का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने हर की पीढ़ी में राज्य की परंपरा, आध्यात्मिकता और सनातन संस्कृति, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, कुंभ कलश, भगवान शिव, मां गंगा पर आधारित ड्रोन शो भी देखा।
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा बस हादसे में हताहत हुए लोगों की याद एवं राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ में दीप प्रज्वलित किए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हरिद्वार के 50 घाटों में लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए। भजन संध्या में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में यह नई शुरुआत हो रही है। दीपोत्सव के रूप में एक संकल्प लेते हैं कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी सहभागिता करनी है, अपनी भूमिका अदा करनी है और माँ गंगा के तट से आज हम संकल्प लेते हैं कि एक दशक 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे। इन 10 सालों में उत्तराखंड हर दृष्टि से शिखर पर होगा। राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में हुए रेतिक परेड का नेतृत्व करने वाली महिला कमांडर्स को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल ने सभी महिला परेड कमांडर, अश्वदल मार्च पास्ट की महिला घुड़सवार और हिम रक्षक डेयर डेविल्स डेमो की 17 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उत्साहवर्धन किया। सभी ने परेड के दौरान और परेड से पूर्व की तैयारी और प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर मातृशक्ति को परेड का नेतृत्व करते देखना अत्यंत गर्व का क्षण रहा है। उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास और संतुलन के साथ महिलाओं ने परेड का नेतृत्व बाइक राइड घुड़सवारी में प्रदर्शन किया, वह अन्य बेटियों को भी प्रेरित करेगा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 11 नवंबर 2005 में महिला आयोग की स्थापना की गई। उन्होंने कहा प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। श्रीनगर और अल्मोड़ा महिला थाने में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है, साथ ही कई जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए चाहे इसवा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और इसवा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 407 करोड़ रुपए की पेयजल और सीवरेज से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विकासनगर के बाबूगढ़ में शुरू हुई योजनाओं का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। साथ ही इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यदायी संस्था सहित तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों से इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। बताते चलें कि ADV द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र में संचालित की जाने वाली योजनाओं से शहर की सीवरेज और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही शहर से लगते सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जा सकेगा। लाखों करोड़ों की योजनाएं भी देश में बन गई, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि 18 साल की O&M वाली स्कीम देश के अंदर ये पहली होने जा रही है और इस योजना के डिज़ाइन और यहाँ की इस चीज़ को इससे एशियन डेवलपमेंट में जो फंडिंग एजेंसी है उसने भी प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि इस मॉडल को हो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ADB वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत विकासनगर शहर के लिए ये वाटर सप्लाई और सीवरेज परियोजना है। ये एक एकीकृत परियोजना है जिसमें 120 किलोमीटर में वाटर सप्लाई है जो कि सभी 11 वार्डों को कवर करेगा और 60 किलोमीटर की सीवरेज परियोजना है जिसके साथ में एक 7 MLD का सीवेज संशोधन संयंत्र भी स्थापित किया जाना है।
मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहुंचने पर शहर अध्यक्ष नीतीश उनियाल ने पुष्प देकर के उनका स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है और सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर गिरसेन को स्थायी राजधानी घोषित करेगी। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की जनता के लिए अभिशाप बताया। ये यूसीसी जो है हमारा हमारे उत्तराखंड को ख़त्म करने की साजिश हो रही है और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को उसकी अवधारणा को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मैंने मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति जो नागरिक चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा अगर वो एक साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा तो फिर वो मूल निवास की तो अवधारणा खत्म होगी ना, वो भू कानून की अवधारणा खत्म हो गई। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा संगठन पर्व व संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर मसूरी के एक होटल में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रभारी द्वारा सभी बूथों में संगठन को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड पर रहते हैं। रतन सिंह चौहान ने कहा कि मसूरी में संगठन पर्व का अभियान चल रहा है जिसमें भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनने के बाद सक्रिय सदस्य बने हैं। उन सक्रिय सदस्यों की मॉनिटरिंग और जानकारी ली जा रही है। कार्यशाला में जो पहले प्राथमिक सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद सक्रिय सदस्य बने हैं, उन सक्रिय सदस्यों तक यहाँ पर आज एक तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि मसूरी मंडल में हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने। इसके बाद जैसा कि संगठन ने हमें निर्देशित किया है कि 11 नवंबर से हमारे संगठन के प्राथमिक चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे, बूथों का गठन होना है, एक प्रत्येक बूथ पे जो है 11-11 लोगों की कमेटियां बननी है। 30 नवंबर तक ये एक अभियान चलेगा और पूरे जो हमारे 67 बूथ हैं उन बूथों की कमेटियों का कमेटियों को सही तरीके से बनाना है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है जिसके निमित्त विशिष्ट सेवा योजना कार्यालय कालसी परिसर में लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित लघु रोजगार मेले में फार्मा, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों की 9 कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में कुल 185 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और अंतिम रूप से चयनित कुल 37 अभ्यर्थियों और द्वितीय राउंड के लिए 21 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। नियोजकों द्वारा मौके पर कुल 18 अभ्यर्थियों को LOI दिए गए। विशिष्ट सेवा योजना अधिकारी विनीता वड़ौनी ने कहा कि आगे भी इस प्रकार के लघु रोजगार मेले आयोजित कराए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिए जा सके। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले में हाई स्कूल से लेकर PG तक के छात्र छात्रा और विभिन्न व्यावसायिक डिप्लोमा और डिग्री धारकों ने प्रतिभाग किया। कार्यालय में जो है एक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और इसमें जो है हमने कंपनीज को इनवाइट किया गया है जिसमें कि CPET, QH टेलप्रोज प्राइवेट लिमिटेड, कैंप 108, अंबर एंटरप्राइजेस, मेंटर वाटर एक्सपर्ट्स, स्पेस इंटरनेशनल, ये सारी कंपनीज आ रखी हैं। इनके पास जो है 10वीं 12वीं ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BTech, MBA, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं और हमारे पास बहुत सारे बच्चे, 100 से अधिक बच्चे भी उपलब्ध आ रखे हैं, रोजगार मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि, और ये इंटरव्यू दे रहे हैं कंपनीज में और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा सत्यापन करवा चुके ऑटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे ऑटो चालकों ने बताया कि इनके द्वारा परिवहन विभाग का सत्यापन करवाया गया है। वह यूनिफॉर्म और आई कार्ड पहनकर भी चल रहे हैं, उसके बावजूद सीपीयू और पुलिस उन्हें जगह जगह रोककर पुलिस सत्यापन के नाम पर परेशान कर रही है और चालान काट रही है। जबकि आरटीओ द्वारा सत्यापन अभियान में पुलिस सत्यापन भी साथ किया जाना था, लेकिन कई ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है, इस वजह से पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया था, उसमें 3 दिन का समय और दिया गया है। इन 3 दिन के समय में सभी को आरटीओ और पुलिस सत्यापन किया जाएगा, उसके पश्चात व्यापक पैमाने पर ड्रेस कोड, आई कार्ड और दस्तावेजों के चेकिंग अभियान भी चलाए जाएंगे। आईपी वगैरह है या ये पुलिस वाले हैं सर, ये लोग रोक रहे हैं हमको और कह रहे हैं पुलिस रजिस्ट्रेशन कराइए कि वर्दी पहनिए। सर सब कुछ तैयार है पर सर ये पुलिस रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही हमारी। सर करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं सर लालपुर रोड पर चलाता हूँ, जमीन मंडी से मेरा परमिट है सर, वहाँ भी बहुत चालान काट रहे हैं हम लोगों का, डर की वजह आ नहीं रहे रोड पर, क्या करें सर बताइए। कितने बजे बैठ रहे हो वहाँ पर? सर कोई बैठ ही नहीं रहे, कितने बजे? हम तो सुबह 6 बजे से आ जा रहे हैं, 5 बजे से आ जा रहे हैं, 2-2, 3-3 बजे तक भूखे प्यासे वहीं पे बैठे हुए हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्यशालाएं आयोजित की गई थी उसके क्रम में जो फीडबैक प्राप्त हुए थे उसके पश्चात जिला प्रशासन ने ऑटो चालक और 3-व्हीलर्स के लिए एक SOP निर्गत की थी। उसी के क्रम में 3 नवम्बर तक का समय इन्हें दिया गया था कि वो एक निर्धारित जो यूनिफॉर्म है उसके बाद यदि नहीं पहनते हैं तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार इनके सत्यापन के लिए रोस्टर जारी किया गया था, अभी अंतिम अवसर हम लोगों ने इनको दिया है। 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर की अवधि है जिसमें ऑटो चालकों को अपना सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाना है। इसके पश्चात 18 तारीख से हम लोग ये प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो हमारे ई रिक्शा 3-व्हीलर्स हैं उनके सत्यापन का रोस्टर जारी कर दिया जाएगा और उनके लिए भी 1 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है, उसके पश्चात उनको यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी जाएगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने 14 नवंबर से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जोल जीवी मेले से जुड़े अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र और हेलीपैड का जायजा लिया। बता दें कि नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम स्थल पर 14 नवंबर से आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जोलजीवी मेले का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 14 नवंबर से आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध मेले जोलजीवी में प्रतिभाग करने हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और SP रेखा यादव ने संयुक्त रूप से मेले से जुड़े अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र और हेलीपैड का जायजा लिया। पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में मेले की तैयारियों के संबंध में विस्तार से मेला अधिकारी उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह से विस्तृत रूप से जानकारी ली। जोलजीवी का मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और ये निरंतर जो है अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा है। इस बार हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करी हैं, जैसे कि जो मेला स्थल पर जितने भी हमारी SHGs की जो स्टॉल्स लगेंगे उनसे हम लोग बहुत ही न्यून जो है पैसा लेंगे। पहले 3,500 के आसपास लेते थे, उसको बहुत कम करके हमने 1,000 रुपये रखा है ताकि जो स्थानीय महिलाएँ हैं उनके उत्पादों को बाज़ार मिल सके। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव अग्रवाल के सहयोग से हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। मसूरी में पहली बार जापानी तकनीक मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर से लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। मशीन ने 90 सेकंड में फूलवाड़ी की जांच की जिसमें लिवर, किडनी, मस्तिष्क, त्वचा संबंधित पूरे पेट की स्क्रीनिंग कर कमियां बताई गई। मसूरी में करीब 100 लोगों की इस तकनीक से जांच कराई गई जिसमें अधिकतर लोगों ने रक्तचाप पर शरीर में पानी की कमी और डिटॉक्स की कमी मिली। कोविड के बाद से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोगों की डाउन हुई है, बट उसको कैसे
इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है वो लोगों को नहीं पता, तो हम इसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं उनको प्रॉपर जो भी उनका दिन का शेड्यूल होता है उसको रीशेड्यूल करती हूँ, जिसमें मैं उनको कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ और कुछ चीज़ें माइनस करती हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि वो खान पान में उतना, क्योंकि एक एज के बाद हमें सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं अपनी सप्लीमेंट की, तो मैं उनको सप्लीमेंट भी सजेस्ट करती हूँ। यहाँ पर हम ये कैंप फ्री करते हैं, ठीक है, इसमें आपके सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और आपका किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें, हेल्थ का, हार्ट हेल्थ सब पता चल जाता है। ये 90 सेकेंड मैग्नेटिक स्कैनिंग है, इसमें बस आपको स्कैन करना है विदाउट एनी ब्लड सैंपल को इसमें। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तरकाशी, जहां पर यमुना घाटी खेल मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। हेलो, महामाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आयोजक समिति के लोग हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा अपने समारोह के सम्मानित अध्यक्ष भाई बच्चन सिंह चौहान जी से कि आज हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दुर्गेशलाल जी विराजमान है, आप उनका बहुत अलंकरण के साथ स्वागत करने का कष्ट करें। समय की कमी को देखते हुए अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री नारायण सिंह चौहान जी से कि आप माननीय मुख्य अतिथि जी को मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह माननीय विधायक जी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राय जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। और अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।